पार्टी, इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 16 ऑब्जेक्टिव नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो काफ़ी इजी था, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, राइट बच्चों? इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 17 को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन अ रेजिस्टेंस मेड ऑफ अलॉय मैंगनीन। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें एक मैंगनीन अलॉय की एक ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई है और हमें यहाँ से कोई कंक्लूजन निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले अगर बच्चों हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें, तो हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है उसके सिमिलर वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, और करंट के सिमिलर बच्चों जो जो वोल्टेज आ रहा है उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि करंट जो है वो धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है और साइमल्टेनियसली आपका जो वोल्टेज है वो भी देखिए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पे करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपके पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इस मैंगनीन का रेजिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एंड 6 12, यानी कि हमें 12 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुल मिला के हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 12 मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बाय ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, और ओहम्स लॉ कहता था वी इज इक्वल टू आई आर, देन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है V1 अपॉन I1। चलिए V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, और V1 था हमारे लिए 3.94 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, चलिए फटाफट कर दीजिए, काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इसमें, राइट? और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 19.7 ओहम। ठीक है, तो ये हमें मिल गया रेजिस्टेंस R1, यानी कि हमारा जो ये पहला ऑब्जर्वेशन था उसका रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये सेकंड ऑब्जर्वेशंस की रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, V2 बाय I2, तो V2 कितना है 7.87 डिवाइड बाय 0.4। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर दीजिए, और यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 19.67 ओम। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे हम, सबका निकालते जाएंगे। चलिए तो फास्ट फास्ट काम करते हैं अब, V3 अपॉन I3, V3 था 11.8 डिवाइड बाय 0.6, चलिए इसका आंसर आएगा 19.66 ओम, राइट? अब बारी R4 की, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मूला रख दिया हमने V4 बाय I4, V4 की वैल्यू थी 15.7 डिवाइड बाय 0.8। चलिए बच्चों जल्दी से कैलकुलेशन करते रहना। ठीक है, आंसर आ रहा है कम्प्लीटली, ओके। अब R5 की बारी, तो V5 बाय I5 कितना है 19.7 डिवाइड बाय 1, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, 19.7 ओम आ गया, राइट? चलिए R6, अब मैं फॉर्मूला नहीं रख लाऊँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो ये लेक्चर, तो 39.4 डिवाइड बाय 2। चलिए बच्चों जल्दी से, यस ग्रेट, यहाँ पे भी आंसर आया 19.7। R7 की बात करेंगे तो R7 59.2 डिवाइड बाय 3, राइट? यहाँ पे भी परफेक्ट आंसर आएगा 19.7 ओम। सिमिलरली R8 78.8 डिवाइड बाय 4 है। ठीक है ना बच्चों, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ध्यान दीजिए 78.8 डिवाइड बाय 4। चलिए उसकी कैलकुलेशन सेम आ रही है, गुड, 19.7 ओम। नेक्स्ट R9 की बारी है, तो R9 है 98.7 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी वेरी हुई 19.72 ओम। ठीक है, 9 तक निकाल लिया, अभी भी 3 और है, यहाँ पे बात करते हैं। चलिए
आर टेन यानी 118.5 डिवाइड बाय 6 राइट है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा 19.75 ओम। सिमिलरली आर 11 138.2 डिवाइड बाय 7, यहाँ आंसर मिला है 19.74। और आर 12 यानी हमारा लास्ट जो ऑब्जर्वेशन था वो था 158 डिवाइड बाय 8, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आया था 19.75 ओम। राइट बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो टोटली 12 रीडिंग्स दिए गए थे 6 और 6, तो हमने उन 12 रीडिंग्स के जो रेजिस्टेंस है वो निकाल लिए है। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों कि लगभग यहाँ पे जो सारे रीडिंग के जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो अप्रोक्स 19.7 आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आर इज नियर अबाउट 19.7 ओम। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मैंगनीन है वो ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। ओम्स का लॉ क्या था भाई, रेजिस्टेंस जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अगर आप करंट इंक्रीज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यानी कि ओम्स लॉ था ना, वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो यहाँ पे इसे फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैंगनीन जो है वो ओम्स लॉ को अच्छे से फॉलो कर रहा है। और बच्चा पार्टी, एज फॉर योर नॉलेज अगर आपको बता दूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंगनीन एक ऐसी अलॉय है जो टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। यानी अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशंस लाते हो तो मैंगनीन के रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, काफ़ी अच्छी अलॉयस होती है। और बेसिकली इस अलॉय का यूज़ हमारी जो फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब्स होती है वहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस मिलते हैं, रिहोस्टेट मिलते हैं, तो वो सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बेसिकली मैंगनीन में से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 18 के साथ। थैंक यू।